दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पुराने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, चालू कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। यानी कि बहुत पहले आपने एक फेसबुक अकाउंट बनाया था, क्रिएट किया था, लेकिन अब वो फेसबुक अकाउंट कहीं पे भी लॉगिन किया हुआ नहीं है, ना ही आपके मोबाइल में, ना ही लैपटॉप वगैरह में, और आप उस फेसबुक अकाउंट रिलेटेड सारी चीजें भूल चुके हो। तो कैसे आप अपने पुराने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, चालू कर सकते हो, इसका मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहां मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, कोई भी तरीका आपके लिए काम कर सकता है। तो वीडियो आप सबसे पहले लास्ट तक देखिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फेसबुक ऐप ओपन करोगे। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पता होता तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक चीज इंटर करते, और पासवर्ड याद होता तो पासवर्ड इंटर करते और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको इनमें से कोई भी चीज पता नहीं है, याद नहीं है, तो इसके लिए सिंपली आप फॉरगॉट पासवर्ड इस पे क्लिक करोगे। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को ढूंढना होगा। ढूंढने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से ढूंढ सकते हो। अगर मोबाइल नंबर इंटर करके ढूंढना हुआ तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी के माध्यम से ढूंढना हुआ तो सर्च बाय ईमेल आईडी इंस्टेड इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी इंटर करके अकाउंट को ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च बाय मोबाइल नंबर इंस्टेड इसमें आ जाना है, और जितने भी ऑल पॉसिबल मोबाइल नंबर जो कि आपको लगते हैं कि आपके अकाउंट में आपने ऐड किया था अकाउंट बनाते समय, उस मोबाइल नंबर को यूज किया था अकाउंट बनाते समय, वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। इसके अलावा आज से पहले आपने जितने भी मोबाइल नंबर यूज किए हैं वो सारे मोबाइल नंबर यहाँ पे आप इंटर करके अकाउंट को ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ मैंने एक मोबाइल नंबर इंटर किया और फाइंड अकाउंट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा अकाउंट मिल जाता है। लेकिन हो सकता है आप इतने लकी ना हो, आप एक मोबाइल नंबर इंटर करो और आपको अकाउंट मिल जाए, तो अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको दूसरा और तीसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे पासवर्ड भी नहीं मांगा जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट लॉगिन हो सकता है। सिंपली मुझे कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे इसी मोबाइल के इंस्टाग्राम ऐप में लॉगिन किया हुआ है और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं डायरेक्टली बिना पासवर्ड इंटर किए भी लॉगिन कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपली आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप किन किन तरीकों से वेरिफिकेशन करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर के लास्ट का 2 डिजिट क्या है और आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक किया हुआ ईमेल आईडी कौन सा है। ईमेल आईडी के यूजर नेम का फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर दिख जाता है। आप यहां पे चाहो तो अपने मोबाइल नंबर पे लिंक या फिर कोड मंगा करके भाया व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो कंटिन्यू करके, या फिर आप चाहो तो अपने ईमेल आईडी पे जो कि फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है उस पे कोड या फिर लिंक मंगा करके भाया ईमेल लॉगिन कर सकते हो। बाकी अगर आपको पासवर्ड याद होता तो सिंपली आप पासवर्ड भी इंटर करके लॉगिन कर सकते थे। इसके अलावा अगर मैं सी मोर पे क्लिक करता हूं तो यहां मुझे ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप नॉर्मल SMS में कोड या फिर लिंक मंगा करके वेरिफिकेशन कर सकते हो और अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करके कंटिन्यू कर लोगे। मान लेते हैं मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट ढूंढने पे नहीं मिला, तो यहाँ मैं बैक कर लेता हूँ और सर्च बाय ईमेल एड्रेस इस पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से भी अकाउंट नहीं मिलता है तो मैं आपको तीसरा तरीका बता दूंगा, उससे आपका अकाउंट आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल नंबर सारा इंटर कर लिया, किसी भी मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट पता नहीं चल पा रहा, तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करोगे। जितने भी ईमेल आईडी आपके पास बने हुए हैं और जो कि आपको लगता है कि आपने अकाउंट बनाते समय अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड किया था, डाला था, वो यहाँ पे आप इंटर करके अकाउंट को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी इंटर किया, मुझे लगता है कि ये ईमेल आईडी मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ होगा, तो सिंपली मैं इसको इंटर करके फाइंड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं अपने ईमेल आईडी के माध्यम से भी जो कि फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, अपने अकाउंट को ढूंढ सकता हूँ। और यहाँ पे अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंंट इसी मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिल सकता है कंटिन्यू पे क्लिक करके। बाकी अगर मैं ट्राई अनदर वे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपने ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे
कोड या फिर लिंक मंगा करके वेरिफिकेशन कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप ईमेल पे कोड या फिर लिंक मंगा करके वेरिफिकेशन करके लॉगिन कर सकते हो, या फिर पासवर्ड याद होता तो सिंपली पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अपने मोबाइल के SMS में लिंक या फिर कोड मंगा करके वेरीफाई कर सकता हूँ और अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ। अब मान लेते हैं आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अकाउंट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे मोबाइल नंबर इंटर कर दिए, बहुत सारे ईमेल आईडी इंटर कर दिए, लेकिन आपको अपना अकाउंट नहीं मिल पा रहा। ऐसे में यहाँ पे मैं फिलहाल बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड योर अकाउंट इसमें आ जाना है और यहाँ पे सर्च बाय ईमेल एड्रेस इसमें भी आ जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट ले लेना है और उस दूसरे फेसबुक अकाउंट से अपने इस वाले फेसबुक अकाउंट का लिंक निकाल लेना है। आप अपने फेसबुक अकाउंट को दूसरे फेसबुक अकाउंट से सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड के फ्रेंड लिस्ट में होंगे तो वहां से भी आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो आपको लिंक निकाल के कहीं पे भेज दे, या फिर आप खुद से भी जाकर के लिंक निकाल लोगे। लिंक निकालने के लिए बस फेसबुक प्रोफाइल पे जाना होता है। अगर आप किसी के फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हो और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल जाता है। आप सिंपली लिंक को कॉपी करके मंगा लोगे, यानी कि अपने अकाउंट के लिंक को कहीं से भी मंगा लेना है। जैसे ही आपको लिंक मिल जाता है, यहाँ पे आप वो लिंक सिंपली पेस्ट कर दोगे कुछ इस टाइप से। अकाउंट के लिंक को पेस्ट करने के बाद आप सिंपली फाइंड अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो आप अपने फेसबुक अकाउंट के लिंक के माध्यम से भी अपने अकाउंट को ढूंढ सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे अकाउंट के लिए अलग अलग होता है, यूनिक होता है, इसीलिए आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लिंक के माध्यम से भी ढूंढा जा सकता है अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से नहीं मिलता है तो। और बाकी अब आपको अगर पता करना हुआ कि आपका कौन सा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है इस फेसबुक अकाउंट से जो कि आपने लिंक के माध्यम से ढूंढा है, तो यहाँ पे आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे और सी मोर पे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर का लास्ट 2 डिजिट देख करके पता कर पाओगे कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है अकाउंट के साथ, और ईमेल आईडी यूजर नेम के स्टार्ट और एंड के 2 कैरेक्टर को देख करके पता कर पाओगे कि कौन सा ईमेल आईडी लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल कोड मंगा करके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, या फिर लिंक मंगा करके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। इनकेस जो मोबाइल नंबर आपको पता चलता है यहाँ पे वो आपका बंद हो चुका है, बहुत पुराना मोबाइल नंबर था, तो आप अपने सिम कार्ड ऑपरेटर के पास जा करके ये मोबाइल नंबर वापस से चालू करवा लोगे अगर बंद हो गया है तो, और फिर आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने अकाउंट को रिकवर कर पाओगे। तो अभी मैं फिलहाल अपने ईमेल आईडी के माध्यम से लिंक या फिर कोड मंगा करके उस पे अकाउंट को वेरीफाई करके लॉगिन करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा। अब देख सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, वो कोड मुझे यहाँ पे इंटर करना होगा। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे जीमेल ऐप ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद आप देख सकते हो फेसबुक की तरफ से रिकवरी कोड वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। ये कोड सिंपली मुझे फेसबुक ऐप में जाकर के इंटर करना है, या फिर मैं यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ अपने अकाउंट के पासवर्ड को। अब मैं फेसबुक ऐप में आकर के वो कोड इंटर कर दूंगा और कंटिन्यू कर लेना है। और अब आप यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड नया वाला सेट कर सकते हो और कंटिन्यू करके लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना लॉगिन इन्फो यानी कि लॉगिन डिटेल्स इस ऐप में सेव करना चाहते हो। अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नोट नाउ इस पे क्लिक कर लेना है। और इस तरीके से आपका फेसबुक ऐप ओपन हो जाता है।